तो ये चैनल जब मैंने शुरू किया था तो ये वाली वीडियो बनाई थी ये सोच के कि इंस्टॉलेशन के बाद में किसी को दिक्कत आती है और वो सिर्फ बेसिक चीजें देखना चाहता है इंस्टॉलेशन की, तो पूरी वीडियो में टाइम वेस्ट ना करके एक सिर्फ इस वीडियो को रेफर कर सकता है और मॉड्स की इसके बाद में अलग से वीडियोज बन गई। बट जो कमेंट्स आए आप लोगों के उससे मुझे लग रहा है कि डिलीवर प्रॉपरली नहीं कर पाया मैं, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम वापस से कोशिश करने वाले हैं और एक सीरीज बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा GTA 5 बिना खेले कैसे कंप्लीट करना है वो बताऊंगा, इसके अंदर आप गाड़ियां कैसे लेकर आ सकते हो वो बताऊंगा, वाइस सिटी पुराने मैप्स कैसे लेके आ सकते हो, कौन सा आपके सिस्टम में चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बहुत बहुत कुछ प्लान है। तो इस बार प्रॉपरली करेंगे विद फेस कैम करेंगे। लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर देना ताकि थोड़ी सी रीच बढ़ जाए और लोग भी इस वीडियो को देख सके। और अब फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये वो वेबसाइट है जहां से आप अपने सारे के सारे मॉड्स को डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन आज के लिए हम इसके ऊपर फोकस इतना नहीं करने वाले, हम बचे हुए चारों टैब के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे और वो इसीलिए क्योंकि ये बेसिक वाली वीडियो है। अभी चार टैब आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनके ऊपर सारे मॉड्स रन करेंगे, तो बी श्योर कि हमेशा ये अपडेटेड हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेटेड वाला लिंक मिल जाएगा, वो आपको सीधा इन्हीं पेजेस के ऊपर ले आएगा और जब भी नया मॉड इंस्टॉल कर रहे हो सबसे पहले चेक करो कि क्या इसकी कोई अपडेट आई हुई है कि नहीं। और वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से ये वर्जन नोट करके रख लेना और साथ ही साथ में ये रिलीज डेट नोट करके रख लेना जब भी डाउनलोड करते हो। नेक्स्ट टाइम जब नया मॉड डाल रहे हो तो एक बार जस्ट वेरीफाई कर लो कि हाँ यही सेम वर्जन अभी भी है और उसी डेट को रिलीज हुआ था कि नहीं, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का बहुत ही इजी स्टेप है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ये दोनों मत करना है आपके काम के नहीं है। उसके बाद आता है scriptbook.net, थोड़ा सा नीचे होगा तो यहाँ पे आपको ये .zip मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करना है, ये दोनों नीचे वाले काम के नहीं है। सेम इसके अंदर भी मेन्यू SP, इससे सारी चीजें आप स्पॉन कर पाओगे, और फाइनली ओपन IV जिसमें हम ये सारे मॉड्स को जाके कॉन्फिगर करेंगे। तो ये चारों चीजें डाउनलोड कर लेना और मैं मिलता हूँ उसके बाद। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से कि WinRAR, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको इंस्टॉल कर लेना, थोड़ा सा उससे काम इजी हो जाएगा आपका भी और आगे भी आपके काम आता ही रहेगा। अब इनको इंस्टॉल करने से पहले हम एक सबसे बड़ा काम स्टार्ट कर देते क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगने वाला है, और वो है मॉड्स का फोल्डर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके नहीं बना हुआ होगा, आपको बनाना पड़ेगा, मेरे बना हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ फाइनल फोल्डर कैसा दिखेगा। तो कुछ नहीं करना, नया फोल्डर बनाना है अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में। GTA 5 की डायरेक्टरी में कैसे आना है, राइट क्लिक करो अपने शॉर्टकट के ऊपर जो कि डेस्कटॉप के ऊपर है, ओपन फाइल लोकेशन करके आप डायरेक्टली इस लोकेशन पर पहुंच जाओगे, जहां पे भी है वहां आओ, नया फोल्डर बनाओ, उसको नाम दे दो मॉड्स का। मैं नहीं बना रहा हूं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब उसके अंदर डेटा क्या डालना है, डेटा डालने के लिए आपको ये अपडेट X64 और X64 के A से लेकर W तक की सारी फाइल्स आपको इसमें कॉपी करनी है, मूव मत कर देना गलती से भी। ये मैंने पहले इसलिए कराया ताकि इतनी देर में होता रहेगा और आप अपने जब तक सारे मॉड्स इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप लोगों ने WinRAR इंस्टॉल कर लिया था तो एक्सट्रैक्ट ईच टू सेपरेट फोल्डर ही करना, एक्सट्रैक्ट हेयर बिल्कुल भी मत कर देना, वो सब यहीं पर ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं भी देखने का टाइम है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो तो ये रीडमी के थ्रू भी आप लोग चेक कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, बट थोड़ा ईजी हो जाए इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में सबसे पहले मैं scriptbook.v को कर रहा हूँ, आप लोग चाहो जिस ऑर्डर के अंदर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है आपको अपनी डायरेक्टरी के अंदर, मॉड्स फोल्डर में नहीं बाहर करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में scriptbook.v.net लाइसेंस और readme को छोड़ के बाकी सारी फाइल्स को इधर कॉपी करना है। और फाइनली menu SP आपका मेन स्पॉनर है, scriptbook.v और scriptbook.v.net को यूज करता है अपने आप को चलाने के लिए, तो वो दोनों इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। menu SP आप लास्ट में ही करो, करने का प्रोसेस फिर वही है, कॉपी करना है और आपका इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट और फाइनल इंस्टॉलेशन के ऊपर, OpenIV। इसका भी प्रोसेस बहुत इजी है, नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर देना, फाइनली ये थोड़ा सा और डाउनलोड करेगा। तो इसी के साथ में अब आप लोग रेडी हो अपनी मन पसंदीदा बाइक्स को इंस्टॉल करने के लिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि अभी के अभी वो इंस्टॉल कर सको तो इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके जान दो बाइक कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इस वाली वीडियो के ऊपर बिना GTA 5 को पूरा खेले भी आप कंप्लीट कर सकते हो, कैसे इस वीडियो से पता पड़ जाएगा।